हाय एवरीवन, वेलकम टू सीमा जेटली। आज मैं आपको दो मुहे बालों के बारे में बताऊंगी। आप जैसे देखो इनका कितना दो मुहा बाल है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा दो मुहा बाल है, पूरे बालों में स्प्लिटेंस हो गए हैं। इनको कैसे निकालें, ये आपको ये कैसे हो जाते हैं मैं ये भी बताऊंगी। ये गर्म पानी से, जैसे बाल धोने से या धूप से, डस्ट से ये बाल फट जाते हैं और इनकी केयर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ऊपर तक पूरा बालों में हो जाता है। हेयर्स में देखें इनका यहाँ तक पूरा आ गया है। इसको हम आज निकालेंगे, इससे बाल झड़ने भी लगते हैं, टूटने लगते हैं। इसमें ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए और एलोवेरा जेल लगाना। को इनकी पहचान बताते हैं, स्पिटन्स कैसे हो जाते हैं। स्पिटन्स जो है, आप धूप में ज़्यादा रहते हो, खुले रखते हो बाल को, तो उनसे हेयर में स्पिटन्स हो जाते हैं, दो मुँह हो जाते हैं जिनको कहते हैं। इनमें दो मुँह भी हो जाते हैं और कई सारे भी हो जाते हैं, तीन या चार भी हो जाते हैं। आप देखो इनका कितना सारा डैमेज हेयर है और ये ब्राउन ब्राउन सा होता है, ये इस तरह से देखिए आप, ब्राउन होता है और फटा फटा होता है, फिर हेयर की ग्रोथ रुक जाती है और हेयर पतला होने लगता है, ये इस तरह से है। और इनको निकालना ज़रूरी है, और इस अगर जब आपके स्पिटन्स हो जाए तो आप इन हेयर को अपने कवर करके रखें धूप में जाने से पहले, और इनमें ऑयलिंग ज़रूर करें नीचे तक। इनमें भी लोग जो है अपने स्कैल्प पे तो मसाज कर लेते हैं बट नीचे नहीं लगाते हैं। अब मैं इनको निकालना बताती हूँ आपको, इनको निकालने का मैं आपको तरीका बताती हूँ, आप घर पे भी कैसे निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। पहले हेयर्स को डिवाइड कर देंगे इस तरह से, पतली पतली लेयर्स लेंगे, लेयर्स लेके इनको हम हेयर्स को ट्विस्ट करेंगे ऊपर से, टाइट टाइट ट्विस्ट करते आएंगे नीचे तक। इस तरह से हेयर को मूव कर लेंगे, रोल सा बना लेंगे और एक सीजर लेंगे। सीजर अच्छी सीजर होनी चाहिए, नोक वाली, इसे हम हल्के हल्के इस तरह से करेंगे। सीजर से हम हैंड से भी कर सकते हैं। अभी आप देखो जितने ये एक्स्ट्रा आए हैं इनको हम कट करेंगे, सारे ये डैमेज हेयर हैं, इनको हम इस तरह से सीजर से कट कर देंगे। तरह से देखिए, पास से देखिए कितने सारे हैं, इनको हम इस तरह से सीजर से निकाल देंगे। ये देखिए बहुत सारे हैं, ये कटिंग करने से भी ऊपर तक अगर हो जाते हैं तो कटिंग करने से नहीं जाते हैं, कटिंग तो आप नीचे की करोगे ना, ये ऊपर तक हो जाते हैं। कभी भी गर्म पानी से ज़्यादा हेयर को ना वॉश करें, ऑयलिंग ज़रूर करें, धूप में निकलें तो बालों को बांध कर निकलें हमेशा, बालों को कभी भी खुला हुआ ना छोड़ें धूप में, उससे भी हेयर डैमेज हो जाते हैं। आपको एक तरीका ये बताया है हमने कि ट्विस्ट करके, आप ट्विस्ट करके निकाल सकते हो। एक तरीका इस तरह से है, आप इस तरह से एक पतली कॉम लोगे, पतली कॉम से करने के लिए इस तरह से आप पहले पतली पतली लेयर लोगे और कॉम में बालों को फंसाओगे और हल्की हल्की ट्रिम करते चले आओगे। ये एक्स्ट्रा देखिए निकल रहा है ना, ये इनको इस तरह से हम निकाल लेंगे इस तरह से निकालते चले जाएंगे कॉम में फंसा के। लेकिन जो पहला वाला तरीका है उससे अच्छे से निकल जाएगी। लेकिन हेयर को ट्विस्ट करके स्पिटन्स निकालना काफ़ी अच्छा है और उसे आसानी से निकल भी जाएंगे। इस तरह से पहले हम हेयर्स को ट्विस्ट करेंगे, पतली पतली लेयर्स लेंगे और उनको ट्विस्ट करेंगे, फिर सीजर से हम टाइट ट्विस्ट करेंगे, लूज ट्विस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद सीजर से हम इस तरह से हल्के हल्के करेंगे जिससे डैमेज हेयर निकल आते हैं अपने आप ही, फिर इस तरह से हम निकाल देंगे। थोड़ा अगर आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सावधानी से करिएगा, इस ऐसा ना हो कि बीच से आपके हेयर कट जाएं। अब ये देखो आप इस तरह से हो गया है,
पतली पतली लेयर लेंगे और फिर हम इसको ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। नीचे तक ट्विस्ट कर लिया है और अब हम सीजर से फिर हल्के हल्के सीजर की नोक से इस तरह से करते जाएंगे। ये देखिए आप पूरा निकल रहा है, ऐसे कर देंगे और जितने ये एक्स्ट्रा हेयर्स हैं इनको हम इधर से भी और दोनों साइड से कट करते जाएंगे। इसमें टाइम ज़रूर लगता है लेकिन तरीका यही बेस्ट है, आपके इससे स्प्लिट्स निकल जाते हैं। इस तरह ये सारे हेयर्स में हमने एक एक पतली पतली लेयर करके हमने निकाल दिया है। अब हम हल्की सी कटिंग कर देंगे इसमें हम लाइट सी शेप दे देंगे कटिंग। बाल बहुत ज़्यादा इनके डैमेज हैं, इस तरह से हम वी शेप दे देंगे। आपको जो भी कटिंग करनी है आप कटिंग कर सकते हो और हमने इनका थोड़ा सा ट्रिम किया है वी शेप में। और जब स्प्लिट्स निकल जाते हैं, दो मुँह में बाल निकल जाते हैं तो बाल भी हेयर्स भी काफ़ी चिकने हो जाते हैं। अगर आपके काफ़ी सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, हेयर डैमेज हैं तो आप दो बार जल्दी जल्दी करा लो तो उससे जल्दी से पूरे हेयर्स में निकल जाएगा। और आप कभी भी गीले बालों को कवर ना करें, बांधे ना, इससे भी हो जाता है। तो आप देखो कितने स्मूथ से चिकने हो गए हैं और सारे डैमेज हेयर करीब करीब निकल गए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स भी करिएगा। अब हमने ये कटिंग भी कर दी है और सारे इनके स्प्लिट्स भी निकाल दिए, दो मुँह बाल निकाल दिए हैं हमने। और इसी तरह आप घर पे भी निकाल सकते हो। घर पे निकालने के लिए आप अपने हेयर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो, यहाँ से बैक से, और इनको आप फ्रंट में ले जा कर के पूरा इस तरह से पकड़ के सारे हेयर्स को इस तरह से पकड़ के और आप इस तरह आराम से ऐसे भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सीमा जेटली के नाम। ओके, बाय।